ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ से होते हुए आप अंदर जा सकते हैं। वैसे आप फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर फ़ोन से नहीं करके आए हैं ऑनलाइन तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम जा रहे हैं सेकंड हॉल में, और रास्ते में कैंटीन भी है, अगर आपने कुछ खाना है तो यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। तो जी हमने एंट्री कर ली है सेकंड हॉल में, और यहाँ पे देखेंगे पहले कौन सी साइड चलें। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कंपनियाँ, ये देखो कौन डॉट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो कलर वाले आपको डिसाइड करना है। एक दो घंटा रख देना इस पे, गर्म हवा वगैरह कुछ नहीं मारना ना, कोई प्रॉब्लम, सीधा प्रिंटिंग रेडी। ओके, पर मीटर 11 इंच का रोल है सर, और एक 23 इंच का रोल है। 23 इंच का रोल लोगे ना 2000 रुपये पड़ेगा, और ऐसा लोग नॉर्मल स्क्रैचिंग अगर वाटर आउट। यहाँ पे है मेहता है, ये देखो कितनी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे छोटी मोटी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, सभी ने अपना अपना लगाया हुआ है। ये देखो इस साइड में भी बोस्ट, अभी हम घूम रहे हैं सेकंड हॉल में। शुभा वालों ने लगाया हुआ है, ये देखो क्या बात है भाई साहब, उनका क्या है वही कंपनी का नाम, सपना लेबल हाउस। यहाँ से होते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये पूरा कट करके एक जॉब निकालेगा यार जी। क्या कर, कौन सी कंपनी है, कौन सी मशीन है ये? ये डाई पंचिंग, डाई पंचिंग मशीन है क्या? ओके सर, राज श्री प्रिंटिंग मशीनरी, ये देखिए जय श्री राम। ये देखिए योगी ग्राफिक टेक्नोलॉजी, वाह यार कितना बड़ा बढ़िया सेटअप लगाया हुआ है। इस साइड में ये है आर के लेवल प्रिंटिंग मशीनरी, इन्होंने भी लगाया हुआ है। ये देखो ये कौन सी है, PBG फोटोग्राफी, क्या बात है। देखो बॉक्स बना रहे हैं कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये देखो वहाँ से आ रहा है, वहाँ से होते हुए यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ पे बॉक्स बन के आते हैं। किधर से शुरुआत है? ओके, उसके ऊपर ये कहाँ पे चढ़ता है? इनके प्रोडक्ट हैं ये सब, देखो ये सब बॉक्स बनाते हैं। बैग बनाती है कंपनी, ये देखो सर एक बार चला के दिखाओगे?
ये आगे आते हैं। आगे आने के बाद ये पट्टी यहाँ पे लगती है दोनों पे। पट्टी लगने के बाद ये देखो, और यहाँ पे पंचिंग होके और यहाँ पे बैग बनता है। पहले ये ना प्रिंट हुआ है, उसके बाद हम बैग बना रहे हैं। ओके, एक आपको ना बैग बना के प्रिंट करना है। हाँ, इसमें सब है अपने पास दिया हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सो, फ्लेक्सो में प्रिंट हुआ हुआ है रोल टू रोल का बैग बन गया। हाँ, एक ऑप्शन एक प्लेन बैग बना के इसमें हम प्रिंट करेंगे। वो तो फिर अलग से प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब बैग बनने के बाद। हाँ, अलग से करना पड़ेगा। और इसके लिए क्वांटिटी होना चाहिए। हाँ, किसी को 10 किलो चाहिए तो आप इसमें क्या कॉस्ट नहीं बैठेगी। ओके, पूरा एक रोल ही प्रिंट करना पड़ेगा। रोल प्रिंट करना पड़ेगा। और 10 क्वांटिटी मतलब सिंगल सिंगल क्वांटिटी के लिए इसमें क्या दे सकते हैं? ए वाले में ये वाइट का पूरा बना के देना पड़ेगा, उसके बाद उस पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ये क्या बना रही है? ये भी बैग ही बना रही है शायद। हाँ, ये भी बैग बना रहे हैं। वेब ऑफसेट, ये तो वही आ गई कैंडोट। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कंपनी कौन सी है? इंडिगो, एचपी इंडिगो। वाओ मैन, ये तो फुल्ली डिजिटल मिलेगा। यस, एसपी। कौन सी मशीन है सर? ये कौन सी मशीन है? डाई कट, डाई कटिंग, डाई कट, सेट कट, ऑयल। ओके, JSR इंस्ट्रूमेंट। ये भी वही टेप वाला आ गया। बहुत सारी कंपनियां आई हुई है सेम सेम। ये ग्लू वाली आ गई, ये देखो, ये गम है सब। ये कौन सी कंपनी है?
ओके बारे आईडी कार्ड वाले बहुत सारा आए हुए हैं, ये देखो इस साइड में भी। ये देखो कितने सारे आए हुए हैं। ये कौन सी है, ये फिर आगे वो टेप वाली, बहुत सारी कंपनियां आई हुई है। स्क्रीन प्रिंटिंग वाओ, सिया पॉलीफिल्म, ये ग्लू बनाते हैं यहाँ पे, है ना, साइड ग्लू और स्पाइन ग्लू दोनों एक ही ग्लू का इन्होंने एक बनाया है, नया इम्प्रूवमेंट किया है उसमें, है ना, ये एक ही ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने न्यू ग्लू बनाया है जिसमें आप स्पाइन ग्लू और साइड ग्लू दोनों बुक प्रिंटिंग के लिए एक ही उसमें डाल सकते हैं, उसमें है ना फिर साइड ग्लू और स्पाइन ग्लू मिक्स नहीं होगा, मिक्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा इन्होंने बनाया है। और इनका सबसे ज़्यादा यही ग्लू बिक रहा है और बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि फीडबैक आ रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कप पे प्रिंटिंग हो रही है, जैसे ये कोनिका मतलब एक आधा प्लेट नहीं रहता है, ऐसा ही ये आता है। इसमें से ये मशीन आएगा, एक मशीन आएगा, एक टैप आएगा और एक ही आएगा, पांच अटैचमेंट आएगा 18-1 में, 8 अटैचमेंट है। अभी ये जो प्लग लगा है इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? ये तो मार्केट में अवेलेबल है, इसका वर्जन अलग है और इसका अलग है। हाँ, इसका अलग है क्योंकि ये इसका सरफेस अलग है ना, डाई वैसा ही डाई पकड़ना मांगता है। अभी ये देखिए, अभी इसमें डालेंगे तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, दोनों तरफ से बराबर है ना इसका, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। ऐसा डाला और ये पेपर, ये जो जैसे आपको पेपर दिया ऐसे ही पेपर, ये मग का प्रिंट करना पड़ेगा आपको, और वो ऐसा लगाया, यहाँ पे टेप मैं दूंगा, टेप लगाया था, पेपर हिले ले और इसको इसमें डाल दिया और फिर प्रेस कर दिया, वो जैसे इसमें प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, ये फोन पे बोलते हैं, फोन पे बोलते हैं इससे 5 मिनट में ये सब प्लानिंग आपका हो जाएगा। हेलो बोलिए, क्रिएटिव ग्राफिक
थोड़ा सैंपल ले लो ना। प्लास्टिक पैनल पैलेट पैलेट बनाते पैलेट किधर गए? थैंक यू। Well, non-tech. अल्ट्रानेक्स प्लास्टिक से पाओ ये क्या है? वुड का है डाई कटिंग वुड डाई कुमार सर नौका बीएमडब्ल्यू का लोगो पीएएल डिजिटल एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड वाओ वो देख कितने सारे काट काट के निकाल रहे हैं करनी है कमाई तो हमसे करे छपवाई वाह ये देखिए यहाँ पे नाम लिखते हैं ये क्या अभी ब्लैक सी ग्लू ग्लूअर तो प्रिंट ग्लू की कंपनी
यहाँ पे आगे टेप, टेप वाले बहुत हैं यहाँ पे बहुत। ये कौन सी है भाई? एप्सन, एप्सन प्रिंटर। बहुत भीड़ है यहाँ पे तो। ये हमारे कोडक वाले, हे आपला अल्ट्रा स्लिम प्लास्टिक आणि हे ऑफसेट कोडक कोंगो प्लेट आहे ना इथे, हे ऑफसेट फिल दिलं नेहा लेबल। अरे भाई, किसी को खाना पीना हो तो यहाँ पे मिलता है। कैश काउंटर है, कॉफी डे और हाईनेस पिज्जा, पिज्जा हाउ पिज्जा। वाह, ये बड़ी कंपनी, बड़ी मशीन है। कौन सी कंपनी है? ये बॉक्स बना रही है, वही है, सेम कंपनी आई हुई है, अपनी अपनी मशीन लेके। अभी दिखाता हूँ कि बैग कैसे बनते हैं। ये देखो, यहाँ से होते हुए पेपर गया, पेपर गया यहाँ से, यहाँ से होते हुए ये ऊपर वाला वो हैंडल बनाएगा। और ये देखो, यहाँ पे होल्डिंग होगी, होल्डिंग होने के बाद ये देखो हैंडल बन के आया इसके अंदर ही। इस यूनिट में पूरा हैंडल भी बन के आया। और ये देखो होते हुए ये फोल्ड हो गया, एक फोल्ड, दूसरे वाला यहाँ से होते हुए यहाँ पे कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद पूरा बैग बन के आया यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे बैग बन के रेडी। ये देखो, ये बैग बन गया, सैंपल इज रेडी। इसके अंदर का देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, वहाँ से होते हुए, देखो यहाँ से होते हुए यहाँ पे कटिंग हुआ और ये बन के आ गया, ये बन के रेडी।
बुक बाइंडिंग के लिए है, पैकेजिंग के लिए है, पेपर प्रोडक्ट कौन सा है, सुपर बॉन्ड एडहेसिव। ये है यूवी ग्राफिक, ये देखिए यहाँ पे जीरोक्स वालों ने भी लगाया है जो हमारी कंपनी में है, जीरोक्स वाले की हमारी मशीन वगैरह यूज करते हैं हम इनका। ये सर बैठे, ये जो सर खड़े हैं ये हमारी कंपनी में आते हैं। वाह स्कूल बस, जी लास्ट आ गए हैं, दो ही हॉल हैं अब की बार, तीन हॉल नहीं है, तो चलिए चलते हैं बाहर, हो गया सब देख के, यहाँ से एग्जिट है, चलो चलते हैं। अच्छा फीडबैक दें तो सर, फीडबैक देने हाँ? फीडबैक फीडबैक तो यहाँ पर जितने भी सप्लायर हमने विजिट किए हैं सब बढ़िया लगा, मशीनरीज हो गया या लेबर देखे, ग्लू देखे हमने, तो फीडबैक तो मेरे हिसाब से तो एकदम बढ़िया किया सेटअप। बट लास्ट टाइम हम जब आए थे तब तीन यूनिट थे, तो इस वक्त इस टाइम पे सिर्फ दो ही यूनिट है, सप्लायर बहुत कम है एक्चुअली। हम बुक प्रिंटिंग इंडस्ट्री से आए हैं विजिट करने के लिए यहाँ पर, हमारे रिलेटेड कुछ कम सप्लायर्स मिले एक्चुअली। ओके थैंक यू। एग्जीबिशन टाइम 6-7-8-9-10 से 6, 9 फरवरी को है वो, है 10 से 4। ये देखो ये कंपनी आई हुई है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, अब की बार दो ही हॉल है। तो हमारे ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं, हमारा आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते रहेंगे आगे, और सब्सक्राइब करते रहना।